हेलो, गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ सबके लिए बहुत मुश्किल लगता है, कहते हैं उसमें फुलनेस नहीं आती, फिटिंग नहीं आती है, लेकिन हम बहुत ही साधारण तरीके से सिंपल ब्लाउज़ को ही प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में कन्वर्ट करेंगे और ये बहुत ही आसान है। इसमें हमें कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना है, जस्ट हमें डार्ट को कन्वर्ट करना है। ये मैं आपको इस तरह से एक प्लेन ब्लाउज़ की, सिंपल ब्लाउज़ की, चार डार्ट वाला जो ब्लाउज़ था उसकी ड्राफ्टिंग मेरे पास ये की हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैंने चारों डार्ट लिए। अब इसी ब्लाउज़ से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें सेंटर फ्रंट डार्ट और साइड डार्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल दो डार्ट की ज़रूरत है, वेस्ट डार्ट और आर्म साइड डार्ट। ये दो डार्ट से ही हम प्रिंसेस कट डार्ट वाला ब्लाउज़ इसका बनाएंगे। अब आपकी ये जो दो डार्ट हैं इन्हें मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से, और यहाँ ये डार्ट, इन दोनों डार्ट को, ये आपका बस्ट पॉइंट है। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये अपना इसमें बस्ट पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये बस्ट पॉइंट है। यहाँ से बस्ट पॉइंट से इस डार्ट को हमने 2 सेंटीमीटर नीचे लिया हुआ है इस जगह से, यहाँ से इसे एक लाइन से, और फिर इस तरफ इस आर्म साइड डार्ट को हम इससे बस्ट पॉइंट से जोड़ देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इस तरह से ये शेप मिल रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों पीसेस की कटिंग कर देनी है। ये आपका फ्रंट पार्ट है, बैक जैसे सामान्य आपका सिंपल ब्लाउज में बनता है वही बनेगा। यहाँ से फ्रंट में चेंजेस होंगे क्योंकि फ्रंट में ही हमें प्रिंसेस स्टाइल लाइन देनी है। ये आप देखिए, मैं इस तरह से दोनों साइड में हमें जब दो पीस बनाने होते हैं तो हमें यहाँ पर नॉचेस देना चाहिए, ताकि इसके जो आधा भाग है, हम 1/4 पार्ट में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, हाफ पोर्शन और है, उसमें एक जैसी डार्ट आए, दोनों में डिफरेंस ना आए, इसके लिए हमें बस्ट पॉइंट पर, डार्ट के पॉइंट पर पैटर्न नोचर की सहायता से यहाँ पर होल करने चाहिए। हमारे पास नहीं कुछ उपलब्ध है तो हमें पेन की पॉइंट से यहाँ पर होल करना चाहिए और डार्ट के दोनों पॉइंट्स पर हमें नोचेस देना चाहिए। इस तरह से ये नोचेस लगाएंगे हम। ये आपको नोचेस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही मैं यहाँ आर्म साइड पर भी नोचेस लगाऊंगी। ये आपको नोचेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मैंने नोचेस दिए दोनों पर, और इस तरह से मैंने इनमें यहाँ पर ये होल कर दिए हैं, ताकि हमारा जो इसका हाफ पोर्शन इस तरफ वाला है वो भी सेम इसी तरह से बन जाए। अब इसमें हम नेक की कटिंग कर देते हैं ताकि हमें शेप को समझने में आसानी हो। इसमें हमने ये गले की भी कटिंग कर ली इस तरह से। अभी आपको ये दोनों पीसेस को अलग अलग करना है। हम इसे अलग किस तरह से, पहले हम, आप ये जो हमारी वेस्ट डार्ट है, हम सिर्फ इस वेस्ट डार्ट की ही कटिंग करेंगे। देखिए, ये मैंने वेस्ट डार्ट का जो पोर्शन मैंने शेडेड किया था उसे मैंने ये रिमूव कर दिया है, ये निकला है हमारा इस जगह से। अब आप आर्म साइड डार्ट की तरफ आएंगे। अब आप जैसे ही इस डार्ट को क्लोज करते हैं, देखिए मैं इन दोनों डार्ट्स को मिला देती हूँ, जैसे हम इसे क्लोज करते हैं, अब देखिए यहाँ फुलनेस आ गई है, और ये इस जगह से हम अगर इसे इस तरह से पकड़ते हैं तो ये वाला जो पॉइंट आपका आ रहा है, यहाँ से आपको ये डार्ट की कटिंग करनी है और इन दोनों को इस लाइन से लेते हुए यहाँ से कट कर देना है। और ये जो पोर्शन हमने शेडेड किया था डार्ट की चौड़ाई, ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, 0.7 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम की हम इस डार्ट की कटिंग करते हैं। जस्ट एक थोड़ा सा पार्ट हमें अलग करना होता है। अब जब हम इन दोनों पार्ट को जोड़ते हैं इस तरह से, ये वाला पार्ट और इन वाले पार्ट को, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी फुलनेस हमें मिलती है। चोली कट ब्लाउज़ जैसी ही इसकी फिटिंग आती है और उतनी ही फिनिशिंग आती है, और बहुत सुंदर लगता है ब्लाउज़ पहनने पर, और ये बहुत कंफर्टेबल भी होता है। इसे मैं आपको बोर्ड पर शो करना चाहूँगी। अब आपको जब कटिंग करनी है तो आपको ये जो साइड वाला योक है और ये आपका सेंटर योक है, साइड योक की जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे, मान लीजिए आपका फैब्रिक है, ये आपके फैब्रिक की लंबाई है, इसमें आपको ये वाला जो पीस है इसे, ये मैंने ग्रीन लाइन इसमें शो की है और इसमें ये तिरछी, इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट को हमें कपड़े में सीधे में कट करना है, और ये वाला जो पार्ट है हमें ओरेब में, यानी इसकी जो, ये आपका जो कपड़ा है इसकी ग्रीन लाइन जो है वो तिरछी जाएगी। मान लीजिए आपका फैब्रिक है, फैब्रिक की
आपके फैब्रिक की ये लेंथ है और ये आपके फैब्रिक की विड्थ है। अभी आप ये इसको जमाएंगे, इसको लेंथ में जमाएंगे और ये जो है कपड़े का तिरछा भाग यानी ये आपका बायस है, इसे हम कहते हैं ओरेब। इस पीस को आपको कटिंग करना, अभी हमने जब कटिंग किया था तो हमें ये पीस किस तरह से मिला था, ऐसे, यानी ये अगर ऐसे सीधा है तो ये ऐसे सीधा होना चाहिए, लेकिन हमें इसको इस तरह से इस पर प्लेस करना है तिरछे में, यानी जो कपड़े की सेलवेज है वो तिरछी आएगी और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर हमने इसे ओरेब पीस रख के कटिंग किया तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और पहनने पर आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, किसी तरह से भी मूवमेंट में बॉडी को मूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं आपको इसे ब्लैक बोर्ड पर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये हमने सिंपल ब्लाउज का ड्राफ्ट लिया हुआ है, उसमें से हमने साइड डार्ट और सेंटर फ्रंट डार्ट जो यहाँ और यहाँ होती है इन दोनों डार्ट को हमने रिमूव कर दिया है। हमारे पास अब सिर्फ आर्म साइड डार्ट और वेस्ट डार्ट है। ये मैंने शेडेड जो पार्ट किया है वो पार्ट आपका कटिंग होना है। अभी आप इस पार्ट को यहाँ तक कटिंग करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ स्ट्रेट जाते हुए इतना सा भाग ही यहाँ से आपके डार्ट का रिमूव हो जाएगा। अब आपको ये दो पीस मिलते हैं कटिंग में, साइड यू और सेंटर। साइड वाला जो पीस रहेगा उसमें आपको ये इस तरह से शेप नज़र आएगा क्योंकि आपकी ये डार्ट हट चुकी है, यहाँ से ये डार्ट हट चुकी है। अभी ये वाला पीस आपको ऐसे मिलेगा, इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, मतलब आपको कपड़े पर काटते समय इसे कपड़े की लंबाई में रखना है। यहाँ मैंने आपको तिरछी लाइन से शो किया है, मतलब ये आपको बायस में यानी ओरेब में कटिंग करना है। तो ये पीस आपका ओरेब कटिंग होगा और ये सीधा कटिंग होगा, लेकिन जोड़ते समय जब हम इन्हें सिलेंगे तब ये पीस ओरेब होने से खिंचता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए हमें यहाँ पर नॉचेस देने हैं ताकि सिलते समय ये दोनों पीस हम जब सिलना शुरू करें यहाँ तक हमारे पीस साथ साथ में है या नहीं, खिंचा खींच कर बड़े छोटे तो नहीं हुआ, ये हमें चेक करने के लिए नॉचेस लगाने चाहिए जिससे कि हमें दोनों पीस सिलते समय इनमें बैलेंस बना रहे। अब आपको ये पीस और ये पीस जोड़ने के लिए इनमें सीम अलाउंस यानी एक एक सेंटीमीटर का अगर आप इंटरलॉक करवाते हैं तो एक एक सेंटीमीटर दोनों पीस में आपको सीम अलाउंस छोड़ना है और जो सीम लाइन है उन्हीं पर सिलाई करेंगे। अगर आपने थोड़ी भी इधर उधर सिलाई की तो इसकी फिटिंग ख़राब होगी और वहाँ पर आपको इसमें सल नज़र आएंगे। अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाते हैं, आप अगर इस ब्लाउज़ को फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको इस तरफ भी सीम अलाउंस बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने इधर सीम अलाउंस नहीं दिया है तो आपकी डार्ट जो है वो इधर सिलाई में ये कपड़ा दबने से आपकी डार्ट इस तरफ शिफ्ट हो सकती है और आपकी फिटिंग ख़राब हो सकती है। अगर बैक ओपन है तो आपको ये वाला पोर्शन फोल्ड में रखना है और अगर फ्रंट ओपन है तो आपको यहाँ पर प्लेकेट के लिए सीम अलाउंस बढ़ाना है। जहाँ जहाँ भी हम सिलाई करते हैं वहाँ हमें सीम अलाउंस देना ही चाहिए, इससे आपकी फ़िटिंग प्रॉपर आती है, फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपने देखा किस तरह से हमने सिंपल ब्लाउज से हमने बहुत आसानी से एक प्रिंसेस कट ब्लाउज का ड्राफ्ट तैयार किया है और ये हमारा पैटर्न आपके सामने रेडी है। बस अब आपको इसको कटिंग करते समय ध्यान रखते हुए स्टिच करना है ताकि आपके ये पीस छोटे बड़े ना हो, नॉचेस को मिलाते हुए और सीम अलाउंस को यूज़ करते हुए सिलाई करनी है। ओके, थैंक यू।